students, I hope you all are safe and fine at your home. So this is your computer class and we have already started with your chapter number 1, that is progression of computers. So in your live class I told you about ki what is progression. Progression kya hota hai, means kisi cheez mein progress karna, tarakki karna. So progression computer ke field mein jo tarakki hui, progress hui. So in this chapter first of all we have studied about abacus. मीन्स जहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है, दैट इज अबैकस. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट, इन टूडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अबैकस एंड देन वी विल स्टडी अबाउट पास्कलाइन मशीन जो ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट की थी. उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट लेबनीज कंप्यूटर एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन एंड after that we will study about a person, a lady named Lady Ada Lovelace who is known as the first programmer, jisko first programmer kaha jata hai. And after that we will study about Herman Hollerith tabulating machine. So in this your specific class we will study about these things. So be ready with me to learn these things, students. So students, this is your chapter number 1, progression of computers. So as I told you, what is the meaning of progression? Progression मतलब progress, मतलब कि किसी चीज़ में progress, मतलब किसी भी चीज़ में तरक्की करना. ऐसे ही progression of computer means कि computer के field में जो progress हुई उसके बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डे आई टोल्ड यू अबाउट अर्ली कंप्यूटर्स के बारे में कि अर्ली कंप्यूटर्स कौन से थे. सो आई टोल्ड यू अबाउट अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन दैट वॉज अबैकस. सो द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वॉज अबैकस. इट इज़ अ वुडन फ्रेम विद बीड्स ऑन पैरेलल वायर विच कैन डू सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन abacus is there. So it is made up of a wooden frame, as you can see wooden frame se bana hua hai and iske andar beads hai that is used to do the calculation. So this is your Roman abacus, this is your Russian abacus and this is your Chinese abacus. So I told you that day ki abacus ki shuruaat kahan se hui thi, invention kahan se hui thi abacus ki. It was invented in China 3000 year एको. उसके बाद पास्कलाइन मशीन. सो दिस इज इन्वेंटेड बाय द ब्लेज पास्कल एंड इट इज इन 1642. ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलाइन. द नंबर वर फेड इनटू द मशीन बाय डायलिंग देम ऑन द व्हील्स. आप ये इसके व्हील्स देख रहे हो, ये वाले व्हील्स जो इसके ऊपर सर्कल सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, इसकी हेल्प से इसके अंदर नंबर फीड किए जाते थे और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन की जाती थी. सो दिस डिवाइस इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड. सो इनकी हेल्प से इसके ऊपर कैलकुलेशन की जाती थी. सो दिस इज पास्कलाइन मशीन एंड इन्वेंटेड बाय द ब्लेज पास्कल. उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में, प्रोग्रेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, डिफरेंस इंजन दैट वाज इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स बैबेज. सो डिफरेंस इंजन की इन्वेंशन किसने की थी? इट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज. सो चार्ल्स बैबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर डिजाइन द मशीन द डिफरेंस इंजन which would be steam powered, fully automatic and commanded by a fixed instruction program. So let me tell you कि ये जो आपकी difference engine था, इसका invention जो किसने किया था, इसका invention Charles Babbage ने किया था and it was steam driven calculating machine which was size of full room. आप इसकी picture में देख सकते हो, ये एक पूरा room cover करती थी जिसको इन्होंने, जिस मशीन को इन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दिया. लेकिन इस मशीन के ऊपर 10 साल तक काम करने के बाद भी ये मशीन जो थी एक रियलिटी में वर्क नहीं कर पाई एंड इन 1833 उन्होंने एक और मशीन बनाई जिसको उन्होंने कहा, जिसका उन्होंने नाम दिया एनालिटिकल इंजन. सो
इट वॉज द फर्स्ट एवर वर्किंग मॉडल ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटर जो प्रोग्राम की हेल्प से रन होता था. फुली प्रोग्राम कंट्रोल्ड मशीन थी और इसी मशीन की वजह से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था. दैट इज एनालिटिकल इंजन एंड दैट इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज इन 1833. एंड उसके बाद लेडी एडा लवलेस, सो शी वॉज नोन एज शी इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर. सो इनको फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है. वाई शी इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर, शी इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर बिकॉज क्योंकि चार्ल्स बैबेज का जो एनालिटिकल इंजन था उसको उसकी प्रॉपर जो वर्किंग थी उसके ऊपर जो प्रॉपर वर्किंग थी मीन्स उसकी प्रोग्रामिंग थी इट वॉज डन बाय हर. सो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू बैबेज चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन दैट वॉज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन. आपकी जीरो और वन की फॉर्म में थी दैट इज योर बाइनरी नंबर जीरो एंड वन जो कंप्यूटर को समझ में आती है. आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है दैट इज जीरो और वन की लैंग्वेज समझ में आती है दैट इज बाइनरी लैंग्वेज. हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है, कंप्यूटर उनको जीरो और वन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. सो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन वर इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन एंड द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट वॉज दैट लेडी एडा लवलेस. सो सिंस शी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, उन्होंने कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का इंट्रोड्यूस किया था दैट इज वाई शी इज नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर. इनको फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है बिकॉज शी ओनली इंट्रोड्यूस द suggested the binary system to be used in this analytical engine. After that, we will learn about Hermann Hollerith tabulating machine. So, Hermann Hollerith जो थे, he was an army engineer, एक army engineer थे और उन्होंने एक machine बनाई जिसका नाम क्या रखा, जो tabulating machine थी जिसका नाम था हरमन हॉलेरथ टेबुलेटिंग मशीन. सो हरमन हॉलेरथ एक आर्मी इंजीनियर थे. सो उन्होंने एक मशीन बनाई टेबुलेटिंग मशीन इन 1890. सो डॉक्टर हरमन हॉलेरथ इंट्रोड्यूस अ मशीन कॉल्ड टेबुलेटिंग मशीन इन 1890. द मशीन रीड एंड स्टोर डाटा फ्रॉम पंच कार्ड्स. आप देख रहे हो पंच कार्ड्स कौन से होते हैं जिनको पंच किया जाता है, मतलब वो कुछ इस तरह के कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर नंबर पंच करने के बाद उस डाटा को जो है कैलकुलेट किया जाता है. सो द मशीन रीड एंड स्टोर डाटा फ्रॉम पंच कार्ड्स. हॉलेरथ टैबुलेटर बिकम सो सक्सेसफुल दैट ही स्टार्टेड हिज, उनकी जो टैबुलेटिंग मशीन थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई कि उन्होंने मार्केट में अपनी एक खुद की कंपनी खोल दी एंड हिज कंपनी वुड इवेंचुअली बिकम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. और इंटरनेशनल इतनी ज़्यादा उनकी ये कंपनी फेमस हुई आज भी हम उनका नाम सुनते हैं. द कंपनी नेम इज़ IBM. सो IBM इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. सो उनकी इस मशीन से को इतनी सक्सेस मिली कि उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली अपने ही प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और आज उनकी कंपनी पूरे वर्ल्ड में फेमस है एंड दैट इज़ नोन एज IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. सो दिस इज़ अबाउट योर प्रोग्रेशन ऑफ कंप्यूटर्स, की कंप्यूटर्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी और धीरे 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 कौन कैसे कैसे डिवाइसेस जो थे आते गए. उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में. सो वी आर हैविंग फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन 1, 2, 3, 4 and 5 एंड फिफ्थ जनरेशन इज करंटली जो जनरेशन चल रही है इट इज़ फिफ्थ जनरेशन एंड कमिंग जनरेशन. सो वो फिफ्थ जनरेशन है दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास. टिल द टाइम जितना हमने अभी पढ़ा है आज की क्लास में this is on your page number 6, 7 and 8 page jo hai aap read karenge and in next class we will study about generations of computer
Till the time, bye students. We will meet next week.